बाबा सूर की जो कथा है भक्तमाल में, जो श्री नाभा जी ने लिखी, उसमें लिखा है कि सूर जब भी पद गाते तो उसमें अपनी निम्नता का भाव वर्णन करते, मौसम कौन कुटिल खलकामी आदि आदि बहुत भाव है सूरदास जी। तो वल्लभ महाप्रभु एक बार वल्लभाचार्य जी ब्रज आए तो पता चला सूर बड़ा अच्छा पद गाता है। तो वल्लभ महाप्रभु ने कहा बोल गा, क्या गाना है तुझे? तो यही सुनाया मौसम कौन कुटिल। तो वल्लभ महाप्रभु हंसने लगे, तू भगवान का होके कैसे गिड़गिड़ाता रहता है मौसम कौन कुटिल, अरे कुछ भगवान की लीला गा। तो सूर ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, लीला गाने के लिए पहले मन में वो लीला होनी भी तो चाहिए, तब तो गा सकता हूँ, है ही नहीं, सूखा हूं मैं, कृपा करो। और बस वल्लभ महाप्रभु ने स्पर्श किया, जैसे महाप्रभु का स्पर्श सूरदास को हुआ, सूरदास जी के हृदय में भगवान की सब लीला प्रकट हो गई, बाल लीला, माधुर्य लीला, सब लीलाओं के पद मन में प्रकट हो गए। ये होती है गुरु कृपा, गुरु छू देना तो काम बन जाता है, गुरु बस छूने से, गुरु का स्पर्श काम बना देता है। जिनके जीवन में गुरु है ना, बहुत भाग्यशाली हुआ, उसका महत्व समझिए, उसकी महिमा को समझिए, क्योंकि जिस दिन जब वो नहीं रहेंगे ना, तब उनके स्पर्श, उनकी वाणी के लिए आपके कान, आपकी आंखें, उनका एक झलक, एक दर्शन पाने के लिए तरसे। मेरे जो गुरुदेव थे उनका एक स्वभाव था, उनका बड़ापन था या जो भी था, वो अच्छे से जानते थे कि मेरे भीतर कोई गुण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पर गर्व था उनको इस बात का। 2009 में मैं भारत से बाहर भागवत कथा करने गई थी, बस यही गर्व था उनको, और बड़े गर्व से कहते थे। कई वक्ताओं के नाम उन्होंने याद कर रखे थे, मैं फिर कह दूं वो जानते थे मुझ में गुण नहीं है, पर शायद होता है ना, माता पिता होते हुए भी वो चढ़ाते रहते हैं, तो सबका नाम लेके बोलते समूचे भारत में। वो बंगला भाषा, बंगाली थे तो हिंदी उनकी शुद्ध नहीं थी, तो वो उस उनके अपने लैंग्वेज भाषा में बोलते थे, सारे विश्व, समूचा भारत, गोटा भारत में, समूचा विश्व में चित्रलेखा जैसा वक्ता नहीं। वो भी जानते थे, मुझे भी पता है कि ये सब झूठ है, लेकिन वो गुरु कृपा थी। वो बस उनका लाड था। आज कोई हजार प्रशंसा भी कर दे, हजार बात भी बोल दे, लेकिन उस शब्द का कोई तुलना नहीं है। इसलिए गुरु को तन मन धन सब दे दीजिए, क्योंकि एक बार मौका चूक गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। गुरु प्राप्त हुआ है, उनके चरणों पर पूर्ण विश्वास, कह दिया सो कह दिया, फिर प्रश्न नहीं कि क्यों करूं, करने से क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। तूने कहा बस यही मेरा जीवन, तूने कह दिया बस मेरा काम यही खत्म, आगे कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सूर पर गुरु कृपा हो गई, हृदय में भाव प्रकट हो गया, अब तो दिन रात सूर 1,25,000 पद लिख दिए,